और इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है, जो ताइवान में मौजूद हैं उनकी मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही मदद के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, और ऐसे में उनको अगर किसी मदद की जरूरत होती है तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ताइवान के हवाले से, ताइवान में बहुत बुरा जलजला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है, बहुत वहाँ पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी है, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहाँ पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी, ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को, और मदद करेगा भी भारत ताइवान की। उन्होंने इन चीजों को समझ लिया है। सर, सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलमबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया, क्या वजह है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भी मांग रहे। उस पर पीएम मोदी लिखते हैं कि ताइवान में आए भूकंप को देखकर काफी मन दुखी है, हमारी भावनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। मेरी जाती नजर में एक एक एंगल उसका कह लें, ये पॉलिटिकल है, और वो ये है कि टू टेल द वर्ल्ड, टू टेल चाइना, टू टेल पाकिस्तान एंड टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई हम जो है, हमारे इंटरेस्ट अब डिफरेंट हैं, हमारे इंटरेस्ट पहले जैसे नहीं हैं, हमारे इंटरेस्ट अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं। सो इंडिया को इस चीज़ की समझ आ गई है कि हमने अगर दुनिया में रहना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं देखना कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया से बाहर भी देखना पड़ेगा। ये चीजें इंडियन जो लीडरशिप है। ताइवान की राष्ट्रपति भी सोशल मीडिया एक्स पर बयान देती हैं, वो कहती हैं कि हम पीएम मोदी के इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, ये काफी चुनौतीपूर्ण वक्त है, आपकी भावनाएं सद्भावनाएं इस मौके पर हमारे लिए बहुत हिम्मत देने वाली होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है भारत के दोस्त देश, भारत के फ्रेंडली देश ताइवान में कल बहुत भयंकर भूकंप आया, 7.7 तीव्रता का भूकंप था जिसमें अभी तक 40 से ज्यादा लोकल ताइवान के लोग एलिमिनेट हो चुके हैं उस भूकंप में, और ये आंकड़े 200 भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो ताइवान की गवर्नमेंट है। दोस्तों, इस मुश्किल के सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस घटना पे अपनी सांत्वना ताइवान के प्रति व्यक्त की, और उन्होंने कहा इस मुश्किल के घड़ी में भारत जो है ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, और इस भूकंप के सिचुएशन में भारत हर संभव मदद करेगा ताइवान की। इसी के साथ दोस्तों, भारत ने ताइवान में अपना हेल्पलाइन नंबर और अपना हेल्पलाइन ईमेल आईडी जारी कर दिया, और राहत और बचाव में भारत की टीमें ताइवान में लग चुकी हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो ताइवान की गवर्नमेंट है उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और भारत उन देशों में से है जो ताइवान में सबसे पहले मदद करने पहुंचा, और भी देश पहुंचे हुए हैं, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, भारत भी उनमें से एक है। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानियों की जलन हो रही है कि भारत जो है ऐसे मौकों पर दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पहुंच जाता है, भाई तो इसमें जलने की बात क्या है, तुम पहले अपनी रक्षा करो ना, फिर बाद में दुनिया की करना, पहले टीटीपी ग्वादर की रक्षा कर लो, फिर बीएलए बीएलएफ इन सबको टैकल करो, फिर दुनिया की रक्षा करो, तुम्हें खुद दुनिया से सहायता की जरूरत है, तुम सहायता नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान के हिम्मतकारी लोगों के साथ हम पूरी मजबूती अपने इच्छा बल के साथ खड़े हैं। इसके बाद क्या था, ताइवान की राष्ट्रपति से लेकर ताइवान का विदेश मंत्रालय तक सामने आता है और भारत के प्रधानमंत्री के इस संदेश से अभिभूत नजर आता है। ताइवान का विदेश मंत्रालय लिखता है कि हम काफी भावुक हैं पीएम मोदी के इस संदेश से। उन्होंने कहा आपकी संवेदनाएं इस कठिन घड़ी में ताइवान के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, भारत का धन्यवाद देते हैं। जापान में जलजला आए, तुर्की में जलजला आए, किसी और कंट्री में जलजला आए तो भारत सबसे पहले हेल्प के लिए रेडी रहता है। अब ताइवान में, ताइवान के मामले में भारत नंबर वन पे है, पाकिस्तान का क्या किरदार रहने वाला है इस पूरे मामले में? इंडियन तो सिंसियर है अपने लोगों के साथ, और पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का कुछ नहीं बन रहा, ना कोई हाल है, और ताइवान के जो पाकिस्तानी नेशनल ताइवान में उनके ये मदद करे, ये इतने बेहिस हैं, ये इतने बेगैरत हैं, मैं बेगैरत ही कहूँगी, ये इतने बेगैरत हैं, मदद तो कहीं रह गई, इन्होंने अपनी मदद ही नहीं करनी, बाकी जगहों में तो पाकिस्तानी है, उनका क्या हाल करते हैं, ये हमारी इमदाद चाहिए भी नहीं है। हाँ क्यों? इसलिए कि ये नलायक कौम, उनको पता है जैसे है, इन्होंने हमारी, उन्होंने उनको और देने वाले बहुत है, हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है, ऐसी भुक्की नंगी कौम की मदद उन्हें क्या करनी है, और इन्होंने क्या कर लेना, वो ऐसी भुक्की नंगी कौम को नहीं देखते। या आपको पता है किस कदर फेक हर चीज चल रही है? पाकिस्तान दुनिया के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल साबित होता है दुनिया में, कहीं क्राइसिस आते हैं हमारा किरदार कहाँ होता है वर्सेस भारत? 0% हेल्पफुल, 0% हेल्पफुल, ये तो कहते हैं हमें दो,
ये ताइवान को कहेंगे हमें दो, हमें हमसे लो ना, हमें दो जो भी है, चलो भूखे मर रहे हो या जलरे में आ गए हो, जो भी हमें दो। हम भिखारी भिखारी 24 घंटे मांगते रहते हैं, बार भिखारी मशहूर हैं। तुर्की में जलजला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको दे दिया, उन्होंने फिर इस चीज़ को मेंशन भी किया, बड़ा हमें जलील होना पड़ा था तब। अगर इसी चीज़ को हम भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या देखती हैं? भारत तो देखो अपने अपने शहरियों के साथ सनसी है, हमसे बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, आगे एजुकेशन में, आगे डेमोक्रेसी में, आगे उनमें ऐसा हाल बिल्कुल नहीं है। चले पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, 1.5 अरब होगी उनकी पॉपुलेशन, मगर उन्होंने अपने अदारे मजबूत किए हुए हैं, वो उनका हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है, जब ही तो हमारा मजाक बनाते हैं। इसमें आप देखें कि बहुत सारे और ममालक भी मौजूद हैं, लेकिन वो कोई इतना एक्टिव इफेक्टिव नहीं है। आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर रिसेंटली सिंगापुर में थे, तो वहाँ पर उन्होंने, मैं आप इससे पहले हमने बात की थी कि वो कहते थे कि अगर आप सिंगापुर महफूज हैं एंड सिक्योर हैं ना, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज हम आपकी जो प्रोडक्ट्स आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं वो हमारी नेवी वहाँ रेड सी में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, बाबुल मंदेब में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, एंड देन आपकी जो स्टेट ऑफ मलाका है, बहुत सारी जगहों पे हम खड़े हुए हैं और हम आपको चीज़ें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। न्यूज़ अखबार टीवी में नहीं लगाते, कोई बड़ा मगरमच्छ हाथ में आ जाए, कोई बड़ी चीज़ आ जाए तो वो करते हैं, लेकिन इंडिया हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा चीज़ कर रहा होता है और वो अपनी वीकली और मंथली रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज। सो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की एक किस्म है, के बारे में नहीं सोच रहे। मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूँगी कि भारत हमेशा दुनिया की मदद करने के लिए तैयार क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास वसाइल ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, हम गरीब हैं। लेकिन पैसे ज़्यादा भी हैं तो दुनिया की मदद के लिए क्यों वो रेडी रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है ना, जब अपनी आवाम खुशहाल होगी तो तभी तो वो दूसरों की हेल्प कर सकेंगे ना, इसलिए वो दूसरों की भी हेल्प कर देते हैं। हमारी अपनी आवाम खुशहाल नहीं है, इसलिए हम अपनी आवाम को नहीं खुश रख पा रहे, तो दूसरों को कैसे रखेंगे? इसलिए उनके पूरी दुनिया में नारे लगते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें, हम दुनिया में आपको कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं? तुर्की में जलजला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस कर दिया, तुर्की ने वो हमें चीज़ जितलाई भी थी, उन्होंने हमारे मुंह पे चांटा भी मारा था इस चीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ में क्राइसिस है, हमने अपना किरदार अदा नहीं किया। भारत की बात करते हैं, उनमें और हमें व्हाट इज़ द डिफरेंस? आप यहीं से अंदाज़ा कर लें, जब हमारे पाकिस्तान वाले हमारे बारे में नहीं सोचते तो वो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब वो हम अपने जो मुल्क के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना, तो वो ऐसे ही रुल रहे हैं। और कितने ज़्यादा, आपको भी पता होगा कितने मिलियंस लोग हैं जो कि अब ना माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो वो जब अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोच लेंगे? उनकी दुनिया में नारे लग रहे हैं इंडिया जिंदाबाद के, हम लोगों के चैंट्स क्यों नहीं कहीं पर लग रहे? क्यों हम इतना कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम कमज़ोर हैं। इंडिया में ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया का ये है कि वो चाहे उनके दिल में जो मर्ज़ी हो मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना काम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं वो किसी की मदद करें तो वो शो करते हैं, वो मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज़ दें तो वो दिखावेबाज है, वो क्या करें? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिखावे करते हैं, मतलब दुनिया को दिख रहा है कि वो जो करते हैं ना वो शो कर रहे हैं कि हम करते हैं। हम चाहे अपने लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा उनके लिए हमदर्दी रखते हों कि वो उन वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, हम दिल में बहुत रखेंगे, लेकिन हम उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। मैं ये कहना, हमदर्दी भी नहीं होगी दिल में, आप कुछ कर नहीं सकते हो तो वो हमदर्दी भी नहीं है फिर दिल में। नहीं, यहाँ के पाकिस्तान की तो ये कह देते हैं ना कि भाई हम बहुत अफसोस हुआ, ये हुआ, लेकिन करते कुछ नहीं है, हम बस दिल तक ही रखते हैं, वो चाहे दिल में ना रखते हो लेकिन वो शो करते हैं, वो करके दिखाते हैं, हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं, और हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम बड़ी सुपीरियर और बड़ी जज्बाती और बड़ी जज्बे वाली कौम बनते हैं, जबकि असल जज्बा वो दिखा देते हैं, बातों की हद तक करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यही तो भारत की खासियत रही है, दुनिया चाहे हमारी हेल्प करे ना करे, तुर्की हमारी हेल्प करे ना करे, लेकिन हम जिस भी देश को जरूरत होती है हम मदद करने पहुंच जाते हैं। मैंने तुर्की का नाम इसलिए लिया क्योंकि अभी तुर्की में भी भूकंप आया था, तो भारत ही वैसा देश था जो सबसे पहले पहुंचा था। भाई ये हमारी खासियत है, हम पूरे दुनिया को अपना भाई मान के चलते हैं। कल को अगर बगल में पाकिस्तान, चाइना या किसी भी दुश्मन देश में भी कुछ होता है ना, ऊपर सीधे ऊपर नीचे, तो भारत उन देशों में से होगा जो सबसे पहले सहायता करता है। ठीक है, मानवीय आधार पर सहायता करना भारत की सबसे पहली नीति है, और कोई ऐसा देश नहीं होगा जो दुश्मनों की भी सहायता करता, लेकिन भारत मानवता बस सहायता करता है, दोस्त दुश्मन बाद में देखता है, पहले सहायता। तो ताइवान की तो हमें मदद ऐसी करनी है क्योंकि ताइवान तो हमें अपना भाई मानता है। ठीक है, हालांकि ताइवान ने भी एक आध बार भारत पे विवादित टिप्पणी दी है, फिर माफ़ी भी मांगी है, लेकिन स्टिल ताइवान में भारत ने अपनी टीमें बिठा के रखी हुई हैं,
टीमें इन द सेंस की दोस्तों जो ताइवान है, जापान है, फिलीपींस है, ऐसे देश जो है भूकंप सेंसिटिव है, तो भारत की एक दस्ता ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है कि वो भारतीयों को भी वहाँ पे हेल्प करे, एज वेल एज ताइवानी लोकल्स और भी जिस देश में उनके लोकल्स की भी सहायता है। तो सहायता में तो भारत सबसे आगे, ये पूरी दुनिया जानती, ठीक है दोस्तों। तो पाकिस्तानियों को इसमें जलने की कोई बात ही नहीं है। अबे तुम पहले TTP से बचो, पहले अपने लोगों को बचाओ, पहले अपने मस्जिदों को बचाओ, तुम्हारे इधर डेली कोई ना कोई आत्मघाती हमला होता रहता है, उसको रोको, तब जाके ताइवान में सोचना। ताइवान में जाके तुम बचाओगे क्या, खुद वहीं पर रह जाओगे, ठीक है, खुद वहीं पर जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें तो बचाव के लिए भी कोई नहीं बनाया बुलाएगा, जाओगे बचाने, मांगने लगोगे भीख वहाँ पर ताइवान से, भाई हमें दे दो, हमें घर चलाना है अपना। तो ऐसे देशों से मदद लेने से भी डरते हैं देश, ठीक है, ऐसे आदमी से जो हमेशा मांगता है उससे मदद लेने से भी डरते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।